हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 5 में पंजाब से आए हुए लोगों द्वारा मारपीट की घटना पर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य रोहित शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके इस मामले में जल्द पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं रोहित शर्मा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की रात को गश्त होने के बावजूद इस तरह दर्जनों लोगों के द्वारा मारपीट की घटना का अंजाम देने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि अगर जल्द मामले में ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो लोग मिलकर सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। रोहित शर्मा ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के चलते अगर इस तरह पंजाब से आकर लोग गुंडागर्दी करके चले जाते हैं तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की सभी धाराओं के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इतने ज्यादा लोगों के कोरोना कर्फ्यू के चलते पंजाब से इतने ज्यादा लोग हमीरपुर में पहुंचने पर सभी हैरान हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आपदा प्रबंधन मारपीट के अलावा सभी धाराओं में केस दर्ज होने चाहिए। इसके साथ ही आरोपी हर एक व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वार्ड नंबर 5 और सुमित कुमार सन ऑफ प्रेम भाटिया, उनको एक कोर्ट मैरिज के जरिए शादी उन्होंने की थी और उस लड़की को लेकर के वो आए थे, लेकिन रात के समय करीब 3 बजे वो लोग 20-25 लोग आए और उन्होंने इनके घर के ऊपर हमला किया, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए और इनकी जो बेटियां हैं प्रेम भाटी उनको भी अटैक किया, उनको भी पीटा। और मैं घर भी इनके जाके आया हूँ, मैंने घर में भी देखा है, खून के छींटे दीवार के ऊपर हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ के पूरे निशान हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसे सीन की प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, सीन को वीडियोग्राफ करे और जो जो इस वक्त एविडेंस इंस्टेंटली प्रिजर्व किए जा सकते हैं उस एविडेंस को प्रिजर्व करे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाकी तो मेडिकल ओपिनियन के बेसिस के ऊपर सेक्शंस लगती रहेंगी, कानून अपनी कार्रवाई करता रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस की गश्त जो है वो अगर आप देखेंगे तो जैसे ही बाज़ार बंद होता है 2 बजे उसके पुलिस की गश्त शुरू हो जाती है, और पुलिस की गश्त जो है वो यही नहीं है, जो सड़क में भी है, अणु में भी है, पक्का भ्रू में भी है, हर रास्ते में होती रहती है। उसके बावजूद इतनी गाड़ियों का आना और इतने लोगों का इकट्ठे आना और यहाँ पर ऐसा तांडव करना, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि अगर वो लोग एंटर हुए तो कैसे हुए और इतने लोग आए और वो उनके पास क्या पासेस थे, नहीं थे, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू अभी हटा नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी भी हैं और 11 जून तक उन्होंने सरकार के माध्यम से ऐसे इंस्ट्रक्शन इम्पोज किए गए हैं। और अगर कोरोना कर्फ्यू के होते हुए ऐसी चीज़ें हुई हैं तो धारा 144, धारा 188 और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सभी धाराओं का उल्लंघन है। तो इसमें इन सभी धाराओं के तहत मैंने FIR में अभी जो मेरे को पता लगा है उसमें अभी वो सेक्शंस डिजास्टर मैनेजमेंट की ऐड नहीं की गई हैं, तो वो सेक्शंस भी ऐड होनी चाहिए, उन धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं एक एक को इंटेरोगेट करके हर एक आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन लोगों को ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो यहाँ की लोकल अथॉरिटी से वो बात करते, लोकल अथॉरिटी के जरिए आते, बैठ के बात करते। जिस तरह का स्टेप उन्होंने लिया है, ना तो ये हिमाचल की संस्कृति है, ना ही कोई कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप रात के बजे 3 बजे आएँ और किसी घर में ऐसा हमला करें और उस लड़की को पीटें और उसको भी ले जाएं। और मुख्य बात, 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी भी किसी को ये पता नहीं है कि जिस लड़की को वो यहां से उठा कर लेकर गए हैं वो लड़की है या नहीं है, उस लड़की की रिकवरी हुई है या नहीं हुई है। अगर उस लड़की की रिकवरी हुई है तो उसका क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसको इमीडिएटली रिकवर करके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ के पूर्व पार्षद और यहाँ के स्थानीय पार्षद की पत्नी राधा रानी जी वो भी आए हैं, उन्होंने भी सारा देखा है, वो भी घर गए हैं, वो भी इनसे पीड़ितों से मिले हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं। अगर इनके साथ कोई भी न्याय करने में किसी भी तरह की कोताही हुई तो बहुत जल्द वार्ड नंबर 5 ही नहीं, शहर का बहुत बड़ा डेपुटेशन जिलाधीश हमीरपुर से और SP हमीरपुर से मिलेगा और इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा और अगर जरूरत पड़ने पर कोई भी कठिन से कठिन और कोई भी कड़ा से कड़ा कदम लिया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासी पूर्व पार्षद राजेश चौधरी ने बताया कि इतना बड़ा हादसा होने पर सभी हैरान हैं और अभी तक पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम मांग रहे हैं कि उनको पकड़ना चाहिए जो ने इतना बड़ा कांड किया है। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से करती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी।
स्थानीय निवासी बाबूराम ने बताया कि अगर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी तो आपस में बैठकर पूरी बात की जा सकती थी, लेकिन इस तरह मारपीट किए जाने गलत है और अब कानून के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। निंदा करता हूँ और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम पीस लविंग पीपल हैं। हाँ, दोनों ने बच्चों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी तो हम आपस में बैठ के कर सकते थे उसका निपटारा, भी क्या मारपीट का कोई हल नहीं। तो उन्होंने जो लड़की के मायके वालों ने हमारे यहाँ घटना की है, इतनी मारपीट की है, उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। गौरतलब है कि गत दिवस हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 में रात करीब 2:30 बजे पंजाब के लुधियाना से कुछ लोगों ने आकर लड़की को अपने साथ ले गए। लड़की ने एक दिन पहले ही कोर्ट मैरिज करके हमीरपुर आई थी। लोगों ने लड़की के ससुराल पक्ष के लोगों को बुरी तरह से पीटा तथा जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह की घटना पर पूरे शहर में चर्चा की जा रही है तो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं।